नंदनी तुम गौरी शिव शंकर प्यार सूल करे जया लोक समस्त पाप हरे वियोग शोक हर निम्भ जामिन्द्रवास श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितम नमामि भज दीन बंधु दिनेश दान दैत्य वंश निकंदन श्री कृष्णाय वयम नमः। और आपको ये मंत्र कब से याद है? छोटी थी तब से। तो छोटी थी तब से, अब आप बड़ी हो गई जी। प्रणाम, मैं हूँ आपके साथ पूजा प्रिया और आज हमारे साथ एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया है। चलिए मैं सबसे पहले आपको उनसे मिलवाती हूँ। आपका नाम क्या है? बासुरी रमन। और आपके पिताजी का नाम क्या है? अवधेश यादव। अवधेश यादव और आप बासुरी रमन यादव। आप एक बात बताइए, आप आज यहाँ क्यों आई है और क्या आता है आपको? रुद्राष्टकम लिंगाष्टकम भवानाष्टकम रामस्तुति हनुमान चालीसा दुर्गा चालीसा सप्तांडम महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम, ये सब कुछ आता है आपको? और सारे जो संस्कृत श्लोक है ये सब आपको कंठस्थ याद है जी? आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा इनकी बातों पे, तो चलिए हम इनसे ही ये जो इतनी सारी इन्होंने बातें बताई हैं, हम कुछ बातें सुनते हैं और इसकी शुरुआत हम मंत्रों से करेंगे। तो आप सबसे पहले हमें कुछ मंत्र सुनाइए जो आपको याद है। कर्पूर गरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदावसंतम हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितम नमामि तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। आपको ये जो आप लाइन सुन रहे थे मंत्रों को, शायद बड़े बड़े जो पंडित भी होते हैं वो भी एक लय में एक सुर में इतना जो मंत्र है एक साथ नहीं बोल पाते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन ये छोटी सी बच्ची एक बार में इतना सारा मंत्र का उच्चारण। आप कितनी साल की हैं? चार। चार साल की हैं? और आपको ये मंत्र कब से याद है? छोटी थी तब से। छोटी थी तब से, अब आप बड़ी हो गई जी। अच्छा ये बताइए, आपने इतना मंत्र जो है कहाँ से सीखा है आपने? माँ पिताजी पूजा करते थे तो वहाँ पे मैं बैठती थी तो सुन के याद हो गया। माँ पिताजी पूजा करते थे तो सुन के याद हो गया जी। और अच्छा आज आप स्कूल जाते हैं जी? कौन से स्कूल में पढ़ाई करते हैं आप? क्राइस्ट चर्च। अच्छा क्राइस्ट चर्च में पढ़ते हैं, तो क्या आपके जो दोस्त लोग हैं क्या आप उन्हें भी ये मंत्र सुनाते हैं? नहीं, नहीं सुनाते हैं। अच्छा इन मंत्रों के अलावा आपको और क्या आता है? और भी बहुत कुछ। मैंने सुना कि आपको श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक भी याद है जी। श्लोक सुनाएंगे आप हमें जी? सुनाइए। सच्चिदानंद रूपाया विस्फोटपत्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। अच्छा इतनी अच्छी अच्छी बातें ये कौन सिखाता है आपको? माँ पिताजी। माँ पिताजी सिखाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद है? संस्कृत अच्छा लगता है पढ़ने में जी? संस्कृत पढ़ाई करती हैं आप जी? अच्छा और आपको क्या आता है इसके अलावा? आपने मंत्र उच्चारण श्लोक भी सुनाए, क्या कोई आपको भजन भी आता है जी?
कौन सा भजन आता है सुनाइए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो आप जिसे सुन रहे थे वो महज 4 साल की है, और इस इतनी छोटी सी उम्र में जैसे इन्होंने गाया है उसे विश्वास नहीं होगा आपको सुनकर कि ये इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा कैसे गा सकती है। और इसके अलावा इन्हें और भी बहुत कुछ आता है जो आप आने वाले वीडियो में भी देखेंगे, वो वीडियो हम आपको पूरा दिखाएंगे। लेकिन चलिए अभी और छोटी छोटी बातें इनसे करते हैं। अच्छा ये बताइए आपके पिताजी क्या करते हैं? काम करते हैं। काम करते हैं। अच्छा मम्मा क्या करती है आपकी? पढ़ाई करती है। मम्मी पढ़ाई करती है, आपको भी पढ़ाती है? जी। आपको स्कूल जाना पसंद है? जी। अच्छा ये बताइए आप कि आपको राम स्तुति भी आती है? जी। उसका 2 लाइन सुनाइए हमें। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुनम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुनम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पट पीत मानहु तरित रुचि सुचि नामि जनक सुता वरम, भजु दीन बंधु दिनेश दान दैत्य वंश निकंदन, रघुनंद आनन कंद कौशल चंद दशरथ नंद
दानम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उडाडी अंग विभूषणम आजानु भुज सर चापर संग्राम जीत खर दूषणम इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजन मम हृदय कंजन निवास कुरु कामादि खल दल वंजनम मनु जाहिरा चेउ मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरु करुणा निधान सुजान सील सनेहु जानत रावरु ऐ भांति गौरी आशीष सुनिसी सहित ही हर्षित अलि तुलसी भवान पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चलि सो जानि गौरी अनुकूल सिए ही हर सुन जाए मंजुल मंगल मूल बामंग हर करने लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। वाह बहुत बढ़िया। तो ये बताइए ये सारा श्लोक सारी जो सारा मंत्र है क्या वो सब कुछ आपकी माँ को आता है? जी। और सब आपने उन्हीं से सीखा है? नहीं। तो फिर और कहाँ से सीखा आपने? माँ पिताजी पूजा करते थे तो वहाँ बैठते थे तो सुन के याद हो गया। सुन के याद हो गया तो सब कुछ आता है आपको? जी। क्या आपने इसका प्रैक्टिस भी की है? नहीं। नहीं एक बार में सुन के याद हो गया? नहीं सुनते हैं। रोज सुनते हैं? आप पूजा भी करती हैं? जी। अच्छा ये बताइए आपने राम स्तुति सुनाई, आपने सुंदर कांड का भी सुनाया, आपने भगवत गीता का एक श्लोक भी सुनाया, कौन से भगवान आपको बहुत ज्यादा पसंद है? लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल? अच्छा क्यों पसंद है लड्डू गोपाल? पूजा करते हैं। लड्डू गोपाल की पूजा करते? अच्छा लड्डू गोपाल की ऐसे जुड़ा हुआ कुछ चीज आपको याद है? जी। हाँ सुनाइए वो हमें। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, तुझ पे ओ कान्हा बल बल जाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, ये माटी का तन है तेरा मन और प्राण भी तेरे, मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया तुम हो भगवन मेरे, ये माटी का तन है तेरा मन और प्राण भी तेरे, मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया तुम हो भगवन मेरे, कृष्ण 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 ते आत्मा मेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, कान्हा तेरा रूप अनुपम मन को हर ता जाए, मन ये चाहे हर पल अखिया तेरा दर्शन पाए, कान्हा तेरा रूप अनुपम मन को हर ता जाए, मन ये चाहे हर पल अखिया तेरा दर्शन पाए, दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है मेरे, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। वाह
बहुत बढ़िया। तो आप पहली बार ऐसा सुन रहे होंगे कि लड्डू गोपाल के लिए छोटी सी राधा इतना प्यार से उन्हें बुला रही थी, इतना प्यार से उनका भजन गा रही थी। और आपको ये भी आश्चर्य होगा कि ये सच में महज 4 साल की ही है और इतनी छोटी उम्र में इन्हें इतना कुछ आता है। संस्कृत के इतने सारे श्लोक आते हैं, इतनी आरती आती है इन्हें, और इन्हें श्रीमद् भागवत का श्लोक भी याद है, और इन्हें और भी बहुत आता है। लिस्ट बहुत लंबी है, हालांकि हमारे पास उतना वक्त नहीं है, इसलिए हम आपको अभी पूरा लिस्ट में जो जो इनको आता है वो नहीं सुना सकते, लेकिन आगे हम आपको इनका वीडियो जरूर दिखाएंगे जिसमें ये बहुत सारा भजन, बहुत सारा श्लोक इन्होंने बोला है। अच्छा ये बताइए, आपको बड़ा होके क्या बनना है? गायक। गायक बनना है? तो आप जब गायक बनेंगी तो क्या संस्कृत में श्लोक भी गाएंगी? जी। अच्छा अभी आपने जो श्लोक सुनाया या फिर आरती, आपका फेवरेट कौन है, कौन सबसे ज्यादा पसंद है आपको, क्या चीज? सारा पसंद है। सब कुछ पसंद है? अच्छा ये बताइए, चलिए इतना सब कुछ तो आता है, आप बड़ी होके गायक बनना चाहती हैं, कोई एक गायक है जो आपको पसंद है? जी। कौन है? लता मंगेशकर। लता मंगेशकर? तो आप लता मंगेशकर जैसा बनना चाहती हैं? जी। हाँ बड़ी होके? जी। अच्छा ये बताइए, आप जब बाहर खेलने जाती हैं तो आप सब बच्चे, तो बहुत सारे छोटे जो आपके उम्र में होते हैं उन्हें चॉकलेट पसंद है, वो खेलने जाते हैं, आप क्या पूजा करती हैं? हम लोग बाहर नहीं खेलते। आप बाहर नहीं खेलती, फिर क्या करती हैं? अंदर खेलते। अंदर खेलती हैं? तो खेलने में भी श्लोक याद करती हैं? नहीं, खेल लेती तब करती हूँ। खेल लेती हैं तब श्लोक याद करती हैं। तो आप मतलब एक छोटी सी बच्ची को देखकर आपको भी विश्वास नहीं हो रहा होगा कि इन्हें इतना कुछ आता है और इतना कुछ ये जानती है। शायद जो बड़े लोग हो, जो पंडित होते हैं, वो ये सब श्लोक पढ़ते हैं, वो भी कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन इन्हें सब कुछ कंठस्थ याद है। लेकिन आपकी राय क्या है इनके बारे में, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे लाइव सिटीज, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।